वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमें हैंगिंग बास्केट में कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वांडरिंग ज्यू, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी लगता है और इजीली ग्रो हो जाती है ये। और मेरे पास इसके दो प्लांट हैं जो मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखे हैं, एक तो ये और एक ये। दोनों ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। जैसे इसकी देखिए, यहाँ से रूट्स निकली हुई, आप यहाँ से कट कर दीजिए और दो लीव्स हटा दीजिए और इसको सोइल में लगा दीजिए तो अच्छे से ग्रोथ कर जाता है कटिंग से। ये गोल्डन फर्न जो आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, ये भी इजीली ग्रो कर जाता है और अच्छा लगता है हैंगिंग बास्केट में, तो इसको भी आप लगाइए। स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत अच्छा लगता है हैंगिंग बास्केट में। हार्डी प्लांट है, बस आपको इसको पानी का ध्यान रखना होता है। और ये कटिंग से भी लग जाता है, जैसे ये शूट निकली हुई इसको कट कर दीजिए, रूट्स भी आ जाती है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कट करके आप इसको सोई में लगा दीजिए। बस पानी का ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा पानी होगा तो इसकी जो ये ऊपर की टिप्स हैं ये ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे और प्लांट फिर नहीं बच पाएगा। तो पानी का ध्यान रखिए, पानी कम दें इसमें। मनी प्लांट, ये सब जानते, सबका फेवरेट है, ये भी हैंगिंग बास्केट में अच्छा लगता है और ये कटिंग से ग्रो हो जाता है, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए। और ये है लास्ट, टच मी नोट प्लांट, चुई मुई प्लांट भी बोलते हैं इसको, और बच्चों का बहुत फेवरेट होता है ये। और देखिए कैसे हाथ लगाते ही ये बिल्कुल मुरझा जाता है, चुई मुई सा हो जाता है। और इसमें फ्लावर्स भी होते हैं, आते हैं, और देखिए सारी बर्ड्स आ रही है इसमें मेरे में। और कटिंग से, ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है और फ्लावर्स देखिए, अब इतने सारे फ्लावर्स आने वाले हैं इसमें, तो ये भी आप हैंगिंग बास्केट में जरूर लगाएं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।